काम धंधे बढ़े काम धंधे हों वो खत्म हो गए। जब जब बीजेपी आती है तब जब बिजनेस बंद हो जाता है। काम के लिए तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल है। बिजनेस तो इस समय बिल्कुल भी नहीं है, ग्रोथ रुक गई है, काम है ही नहीं लोगों के पास, सब खाली पड़े हैं। जब चांदनी चौक के लाला भाग लड़के क्यों नहीं जाएंगे, भारत में रहना है तो डरना पड़ेगा। राखी नहीं मार्केट में, गरीब मार रही है तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सरकार है, छोटे मोटे भी नहीं है। धंधा पानी कम होने से तो रोजी रोटी यहीं से हम लोग को चल रहा है, तो क्या करें, तो किसी तरह जो मिलता है उसी में गुजारा कर रहे हैं। जीएसटी से नुकसान तो वही होगा, जभी तो यह काम धंधे खत्म होने क्या वजह, हम तो ये जानना चाहते हैं, हमें नहीं पता इस बात को काम धंधे क्यों खत्म हुए हमारे। इस समय किसी दुकानदार से पूछ लो, कोई कह रहे हाँ जी भी ठीक है बढ़िया हुआ है तो चलो मान लेते हैं। जिसको कहो बिल ले ले भाई, इधर 18% 12% जीएसटी है टैक्स, वो खड़ा मुझे पता नहीं ठीक है मैं क्या करूँ। वो खासतौर पर जब से जीएसटी वगैरह जब से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कुछ किया जी, तब से तो बहुत ही ज्यादा फर्क है, काम बहुत ही ज्यादा डाउन है। हमारा कपड़े की लाइन का नहीं, ओवरऑल आप देखेंगे तो सबका ही मंदा है जी, 50% डाउन हो चुका है इस मार्केट का, तो 50% डाउन है। यूथ निकल रही है, आईटी है वही परेशान है, काम तो बेकार चल रहा है और काम हुए एक साल से भी ज्यादा हो गई, काम बेकार ही चल रहा है भैया। डरना पड़ेगा भारत में रहना है तो डरना पड़ेगा। पैसे नहीं है, 10 रुपए लेंगे 10 में तू आते तो आपके 5 बचा लो, 5 कल की नहीं रख। नौकरी तो कहीं मिल ही नहीं रही, देश चल रहा है लेकिन रोजी रोटी चाहिए, दाल रोटी चाहिए, चटनी हो रही है, जो कारोबार ही नहीं रहेगा तो चटनी करेगा। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही रोया पड़ा है, कौन किस चीज में कमी निकालेगा, घर की रोटी में कमी निकालोगे खाओगे क्या। वोट डल गए दोबारा बीजेपी आ गई, फिर भी अब चालू हुआ काम लगा लो, जब से कहाँ काम हुआ, जो डरेगा वो माइक पे बोलेगा नहीं।